तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हरीश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारत दर्शन विद एचएसबी। दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ, तो आपको दिखाऊंगा बद्रीनाथ की यात्रा कराऊंगा और रास्ते के जो भी अच्छे व्यू आएंगे आपको दिखाऊँगा। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, तो मिलते हैं बद्रीनाथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं पहुंचा हूं जोशीमठ। जोशीमठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है, जहां हिंदू के प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। यहां 8वीं सदी में सदा सुधाकर आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यहाँ उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की। जाड़े के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजमान होती है। यहाँ पर नरसिंह और सुंदर एक पुराने मंदिर जिनकी पूजा की जाती है। बद्रीनाथ औली और नीति घाटी के होने के कारण बद्रीनाथ एक पर्यटक स्थल भी बन गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं पहुंचा हूं पांडेकेश्वर। पांडेकेश्वर बताया जाता है कि यहां राजा पांडु ने तप किया था, इसलिए इस स्थान का नाम पांडेकेश्वर पड़ा। इसके अलावा यहां भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा भी की जाती है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में के लिए बंद होने के बाद उद्धव और कुबेर के चल विग्रह को यहाँ के योग्याध्यान मंदिर के प्रतिष्ठित किया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं बद्रीनाथ धाम। तो अभी यहां मैंने गाड़ी खड़ी करी है और यहां से अभी आप देख पा रहे होंगे कि नीचे अलकनंदा बह रही है और टेंपल आपको दिखेगा इधर। यहां पर है बद्रीनाथ जी का टेंपल। तो ये रास्ता हमें ले जाएगा सीधे मंदिर, और देखिए कितनी पब्लिक है यहाँ। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए हैं दूर दूर से लोग, और देखिए क्या कढ़ाई में दूध उबल रहा है। और इधर देखिए जो केसर अपना टीम को कमान मोबाइल पर बताएं, अपने परिचित को सौंप कर दिए प्रशांत करो, जो खाने को भेज दें। किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति चोरी चक्का गिरेगट हो सकता है, जो आपकी लापरवाही का फायदा उठाकर आपका सामान लेकर भाग सकता है। अतः सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप अपना सामान मोबाइल पर से इस चीज का दिखा सुरक्षा करते रहे। रेस्टोरेंट है, आप खाना खा सकते हैं। कहाँ से आए आप लोग? आप कहाँ से आए हो? हम तो यहीं से उठे हैं। बद्रीनाथ नहीं, यहाँ कहीं आए होंगे, कहीं से? चमोली से। चमोली से, ठीक है। चलते रहो।
तो दोस्तों मैं अभी हूँ बद्रीनाथ में, आप मेरे साथ हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा पे। सामने जो टेंपल है आप देख पा रहे होंगे वो बद्रीनाथ जी का टेंपल है, और ये नीचे जो रिवर बह रही है ये अलकनंदा है, और वो ग्रीन साइड दिख रहा है वो है तप्त कुंड, वहाँ पर लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है, मतलब 1-2 किलोमीटर की लाइन है पूरी, वो लाइन करके घूम घूम के तो नहाने वाले थे, और उधर जैसे जा रहे हैं यहाँ से घूम घूम के और लाइन लगी है, और उसके बाद ही जिसका नंबर आएगा वो दर्शन करेंगे। देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, और ये है बद्रीनाथ का मंदिर, आप देख सकते हैं एकदम पूरी तरह सजा हुआ है, और कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर। शानदार नज़ारा बद्रीनाथ जी का, देख सकते हैं अलकनंदा कितनी तेज बह रही है, और यह है सुंदर दृश्य बद्रीनाथ जी का, आप देख रहे हैं मेरे साथ। दोस्तों ये है बद्रीनाथ का नज़ारा, आप देख पा रहे होंगे बद्रीनाथ का इतिहास कुछ इस तरह से है। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह एक स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से 4 धामों में से एक है। यह प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर का नाम पर ही इसे इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर 10,271 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों में ऋतु में हिमालयी क्षेत्र के रूप में मौसमी दिशाओं के कारण मंदिर वर्ष में 6 महीने अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे तीर्थ स्थानों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप में बद्री नारायण की पूजा होती है। तो मैंने तो कर लिया दर्शन बद्रीनाथ जी के, बाकी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, बहुत सारी भीड़ है। तो ये आज यहाँ पर कम से कम 1-2 किलोमीटर की लाइन लगे, बहुत सारी पब्लिक आई हुई है देखने के लिए। तो ये था मेरा बद्रीनाथ ब्लॉग, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट, जय बद्री साहब।